तो आज सावन का सातवां सोमवार है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भगवान शंकर के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है। आपको बता दें कि इस सावन में अधिक मास लगने की वजह से सावन का महीना 58 दिनों का है, इसलिए इस बार सावन में 8 सोमवार पड़े हैं। तो सावन का आज सातवां सोमवार है और देखिए जो भक्तजन है सुबह से ही मंदिर में पहुंच रहे हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। पूजा की जो विधि विधान है वो की जा रही है। आज सातवां सोमवार है और इस बार का जो सावन है बहुत खास माना जा रहा है। इस बार देखिए 8 सावन है और आज सातवां सोमवार है। हर जगह आज शिव के जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। हर हर महादेव की गूंज चारों तरफ आज सुनाई दे रही है। तो सुबह से ही जो भक्तजन है दूर दराज से मंदिरों में पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिल रही हैं, जहां पर भक्तजन पहुंच रहे हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, जहां पर जलाभिषेक किया जाता है। और देखिए तस्वीर के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। तो 3 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रंजन दवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हिमांशु मित्तल कोटा से हैं, अशोक कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीगंगानगर से। सबसे पहले अशोक का ही रुख कर लेते हैं। अशोक देखिए सावन का आज सातवां सोमवार है और चारों तरफ भगवान शिव की जो गूंज है वही सुनाई दे रही है। ओम नमः शिवाय हर जगह चल रहा है। अभी आप फिलहाल कौन से मंदिर में मौजूद है, जरा तस्वीर दिखाइए। तो चलिए हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु कोटा में अभी आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं, एक बार जरा तस्वीर दिखाइए और जो भक्तजन पहुंच रहे हैं उनमें कितना उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि आज सावन का सातवां सोमवार, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश कीजिए। हाँ देखिए, सावन का सोमवार हो तो भक्तों में जो उत्साह है वो चरम पर होता है और सावन का जो सोमवार है हर जो भक्त के लिए खास होता है। सुबह से ही भक्तों में भक्तों का उत्साह मंदिरों में देखने को मिलता है। फिलहाल कोटा के जहाँ पर आप देख सकते हैं भोलेनाथ की जो आरती है वो चल रही है, श्रृंगार है वो यहाँ पर किया गया है, रुद्राक्ष के साथ में यहाँ पर विशेष श्रृंगार किया गया है और इस रुद्राक्ष के श्रृंगार के साथ में कई जो आयोजन है वो भी यहाँ पर होने वाले हैं। मेरे साथ में त्रिपुरम से जो आध्यात्मिक गुरु है वो मौजूद है। क्या सावन के सोमवार का जो महत्व है वो अपने आप में खास होता है, जिस वक्त विशेष तौर पर पहुंचते हैं आज सावन का सातवां सोमवार है। और महामंडलेश्वर आप सभी की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं का आशीर्वाद देते हैं। आज सावन का आठवां सोमवार है, अधिक मास के उपरांत सावन का विशेष महत्व है, क्योंकि अधिक मास सावन में 31 वर्ष बाद आया है। सावन में विशेष सामग्रियों द्वारा पूजा करने से भगवान महादेव बहुत अति प्रसन्न होते हैं और सुबह प्रातःकाल में 4 बजे इनका हम महान ग्रंथ करते हैं। उसके उपरांत तरह तरह की विशेष सामग्रियों द्वारा शिव का रुद्राभिषेक होता है। देखिए इस बार सावन भी इसलिए खास है क्योंकि अधिक मास की वजह से 2 महीने का सावन। अधिक मास तो यूं तो 3 वर्ष आता है प्रत्येक हिंदी माह के अनुसार, लेकिन ये 3 वर्षों को जब हम हिंदी की तिथियों से हिंदी के माह से जब कैलकुलेट करते हैं तो सावन 29 वर्ष बाद आया है। सावन में अधिक मास 29 वर्ष बाद आया है और इसका विशेष बहुत ही अत्यधिक महत्व है। सावन का अधिक मास में आने का विशेष सामग्रियों से, विशेष शिव की प्रिय वस्तुओं से, शिव का अभिषेक, शिव का सहस्त्रार्चन, अर्चन पूजन, रुद्राभिषेक किया जा रहा है। देखिए यानी कि हमने सुना कि किस तरह से जो शिव जी की विशेष आराधना है वो की जा रही है और अपने आप में खास हो जाता है। 3 वर्ष में एक बार अधिक मास आता है और वही अधिक मास 3 वर्ष में इस बार यहाँ पर पड़ा है और इसलिए जो सावन के 8 सोमवार इस बार पड़ रहे हैं। एक छोटे से शिव भक्त को हम दिखाना चाहेंगे जो फिलहाल शिव जी की आराधना के लिए पहुंचा है। अपने आप में ये तस्वीर खास होती है जब शिव जी के मंदिर में सुबह से अलग अलग भक्तों के जो रंग है वो देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं आप शिव जी के छोटे से इस भक्त को भी जो यहाँ पर शिव जी की पूजा अर्चना के लिए
पहुंचा हुआ है। तो इस तरह की अलग अलग तस्वीरें शिव जी की आराधना के लिए फिलहाल अलग अलग शिव मंदिरों में देखने को मिल रही है। अलग अलग जो शिवालयों में अलग अलग तरह से जो विशेष आयोजन है वो हो रहे हैं। 7 सोमवार है तो शिव भक्तों का जो उत्साह है वो भी अपने आप में चरम पर है। दिन भर जो विशेष आयोजन है वो होंगे, चाहे कोटा के शिवपुरी धाम मंदिर की बात कर ली जाए, कंसुआ धाम की बात कर ली जाए, नीलकंठ महादेव मंदिर की बात कर ली जाए, यानी कि कोटा के सभी शिवालयों में विशेष आयोजन सावन के बिल्कुल हिमाचल तस्वीर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। जो भक्तजन है वो सुबह से ही पहुंच रहे हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, अशोक कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री गंगानगर से। अशोक, देखिए इस बार जो सावन का महीना है बहुत ही खास हो जाता है और सोमवार के दिन शिवालयों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। दूर दराज से जो भक्तजन है वो पहुंचते हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। फिलहाल आप कौन से मंदिर में मौजूद है, एक बार तस्वीर दिखाइए, कितना उत्साहित जो भक्तजन है वो नजर आ रहे हैं। नगर के प्राचीन शिवालय में मौजूद है और यदि हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए जन जन की आस्था का केंद्र प्राचीन शिवालय श्री गंगानगर में माना जाता है और आज सुबह से ही श्री गंगानगर में भक्तों का सिलसिला मंदिर पहुंचने का लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में किस तरह से आज सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक कर रहे हैं और इसके साथ साथ भगवान भोलेनाथ के जयकारों से श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के या यूं कहें कि देश भर के शिवालय गुंजायमान है। आप ये श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय की तस्वीरें सीधे देख पा रहे हैं। वो दर्शक जो इस समय प्राचीन शिवालय नहीं पहुंच पाए वो भी घर बैठे न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिवली न्यूज भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं। प्राचीन शिवालय जिनको जन जन की आस्था का केंद्र यहां पर माना जाता है और यही एक वजह है कि इस समय श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय में काफी सारे भक्तों की कतारें यहां पर देखने को मिल रही है। चूंकि सावन का महीना चल रहा है तो ऐसे में सावन के दौरान जब खास महत्व होता है भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का, हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो किस तरह से मना रहे हैं। इस बार अधिक मास रहा है तो अधिक मास के दौरान आप किस तरह से मना रहे हैं इस बार? देखिए ये सीधी सीधी पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूं और ये सीधी पिक्चर्स हैं श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय की आयुषी प्राचीन शिवालय जिसकी स्थापना श्री गंगानगर की स्थापना से भी काफी पहले हुई थी और काफी पहले होने की वजह से ही माना जाता है कि श्री गंगानगर के ईष्ट देव हैं प्राचीन शिवालय। और अल सुबह से ही हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भगवान भोलेनाथ के भक्त मंदिर पहुंचे हैं और भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक करते हुए भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना कर रहे हैं। न केवल सावन के महीने के दौरान बल्कि आम दिनों में भी प्राचीन शिवालय की खासी मान्यता रहती है और यही एक वजह है कि सावन में ये महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। और देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें कि इस समय श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय में भक्तों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और भक्त पहुंचकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न और खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि इस बार अधिक मास भी मिला है तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ के भक्तों को एक अतिरिक्त सावन का महीना मिला है और यही एक वजह है कि इस समय या 7वां सोमवार यानी कि एक सोमवार और बाकी है जब भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और जलाभिषेक किया जा सकता है। आप लगातार पिक्चर्स में देख पा रहे हैं कि किस तरह से श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय में एक तरह से भक्ति का शैलाब उमड़ रहा है, भगवान भोलेनाथ के जय जयकारों से सभी शिवालय की गूंज भी सुनाई दे रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, रंजन दवे भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रंजन, देखिए सावन इस बार 2 महीने का है, अधिक मास भी है, इस वजह से ये सावन बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है। आप कौन से मंदिर में मौजूद है, क्योंकि हर एक मंदिर की अलग अलग विशेषता होती है। जिस मंदिर में आप मौजूद है पहले तो उसकी विशेषता बताइए और जो भक्तजन पहुंच रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। आज सावन का 7वां सोमवार है, क्या कुछ कह रहे हैं वो और कैसे पूजा की विधि विधान कर रहे हैं? जी देखिए, मैं इस समय यहाँ जोधपुर के रातानाडा स्थित पीपलेश्वर महादेव मंदिर में हूँ जहाँ की भगवान शिव के लिंग स्वरूप और शिव परिवार जो है वो विराजित है। बड़ा पुराना मंदिर है और जूना अखाड़ा से संबंध ये पूरा मंदिर है और इस मंदिर की अगर विशेषता की बात करें तो लगातार जो है भक्तों की आस्था का केंद्र माना जाता है। सवेरे से ही यहाँ मंदिर में लगातार जो भक्तों के आने का सिलसिला जो है शुरू है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सावन का 7वां सोमवार है उसके तहत प्रतिदिन करीबन यही माहौल देखने को मिलता है। कुछ देर पहले यहाँ जो मंगला आरती, सवेरे की जो आरती जिसे कहा जाता है वो संपन्न हुई है और उसके बाद में अब जो जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और साथ साथ शिव आराधना का जो काम है
वो लगातार शुरू हो रहा है। दंपत्ति यहाँ पहुंचे हैं और भगवान शिव के जो लिंग स्वरूप है उसे पूजा के साथ में शिव के बिलपत्र चढ़ाना, धतूरे चढ़ाना, फूल माला अर्पित करने के साथ साथ जो पूजा अर्चना है वो शुरू किए जा रहे हैं। कुछ लोग जुड़े हैं हमारे साथ, आपसे बात करते हैं। क्या आस्था है आपकी इस मंदिर से? बहुत आस्था है महादेव से। महादेव से क्या करने आई हैं आज? पूजा करने आई हूँ। किस तरीके से करते हैं आप? नाग देवता की, महादेव जी की पूजा करने आई हूँ। कब से आ रहे हैं आप? मैं जब से साउंड लगा है पहला वाला एंड तक आ रही हूँ। अच्छा, इस बार तो अधिक मास था, इधक मास क्या मारवाड़ी में, तो उसके बाद तो इस बार तो ज्यादा अवसर मिला। ज्यादा मिला सर, ज्यादा मिला, ज्यादा फल मिलेगा। बहुत फल मिलेगा, महादेव सब कृपा करे, मेरे पे ही करे और सबके भी करे। जी देखिए, महादेव सब पे कृपा करे ऐसी आस्था है। और बात करेंगे किस तरीके से आप आस्था के साथ में जुड़े हैं? भगवान की पूजा के लिए, महादेव जी की। सब पत्नी आए? सब पत्नी हमेशा आते हैं। आप क्या क्या आस्था लिखा? हर सोमवार को आते हैं। हर सोमवार? हाँ, डेली आते हैं। बिल्कुल रंजन, देखिए इस बार जो सावन है बहुत खास हो जाता है और जो भक्तजन है वो पहुंच रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि इस बार 2 महीने का सावन, तो इस बार महादेव की पूजा करने का ज्यादा समय मिला। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं कनिष्ठ अभी